जिस तरह जितनी कंपोज्ड परफॉर्मेंस जो है वो ब्राज़ील की तरफ से आ रही है, लाइक एवरी बॉक्स चेक जो है वो ब्राज़ील के लिए ऐसा लग रहा है कि दे अनस्टॉपेबल राइट नाउ। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया सवेरा आपका। ब्राज़ीलियन टीम ने कल जो रिएक्ट किया, क्योंकि कैमरून के अगेंस्ट उन्होंने अपना अपना मैच लीग का जो आ रहा है, जो ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके थे, उन्होंने अपने अपने बेंच को खिलाया, जो अब तक किसी भी टीम ने अपने 22 प्लेयर उनको मौका नहीं दिया वर्ल्ड कप में, तकरीबन खिलाड़ियों को खेलने का मौका दिया। अब नेमार जूनियर भी बैक हो गए, डेनिलो भी बैक हो गए, जो फुल बैक इंजर्ड थे वो भी मैच में वापस आ गए, हालांकि इनका गैब्रियल जेसस वतन वापस जा चुके हैं क्योंकि इंजरी हो गए। लेकिन ब्राज़ील किसी में भी हमें वीक नजर नहीं आया, ब्राज़ील ने पूरा मैच डोमिनेट किया जनूबी कोरिया के अगेंस्ट। एक्सपेक्टेशन ये थे जनूबी कोरिया की टीम ने पोर्चुगल को हराया और क्वालिफाई किया, ब्राज़ील को टफ टाइम देगी, लेकिन ब्राज़ील ने इब्तदाई 30 मिनट में मैच को ख़त्म कर दिया, मैच को अपने फेवर में ले लिया। लेकिन यहाँ एक चीज़ मैं ज़रूर ऐड करूँगा, ये पेनल्टी की जो रेफरी ने जाए सॉफ्ट था, लेकिन ओवरऑल ब्राज़ील की जो सलाहियत थी वो 4 गोल में समझता हूँ, जितने अटेम्प्ट ब्राज़ील ने किए और जो क्रिएटिविटी नज़र आया ब्राज़ील टीम के अंदर, एक टीम वर्क नज़र आया, टीम गोल हमें नज़र आया, ये वन ऑफ द बेस्ट गोल है जो रिचार्डसन ने किया, जो बॉक्स के अंदर वॉल पास नेमार के साथ खेल के जिन्होंने फिनिश किया, कमाल के स्कोर किए और जो बॉल पोजिशन रखा, ये एक थ्रेट है। जैसा कि मायरी ने ब्राज़ील को फेवरेट करार दिया 2022 के वर्ल्ड कप में, तो ये इसका डिस्प्ले है और ब्राज़ील इस पोजीशन में है कि वाकई भी 2022 का वर्ल्ड कप भी जीत सके। लेकिन क्वार्टर फाइनल में ब्राज़ील जब फेस करेगी ब्राज़ीलियन टीम के लिए, क्रोशिया ब्राज़ील को फेस करेगी, क्रोशिया की टीम को आपने देखा क्रोशिया जापान के सामने कितना डोमिनेट गेम किया, जापान के साथ लोगों की काफ़ी उसे वाबस्ता थी, जापान ने 2 वर्ल्ड चैंपियन को हराया, स्पेन और जर्मनी की टीम को हराया और यही एक्सपेक्टेशन थे, क्योंकि मैंने खुद भी प्रिडिक्ट किया था कि जापान की टीम को जीतना चाहिए, लेकिन क्रोशिया ने जापान 45 मिनट में काफ़ी इफेक्टिव नजर आई और आपने जिन्होंने स्कोर दी किया, लेकिन क्रोशिया मैच में वापस आ गया, उनके सीनियर प्लेयर्स हैं कोवासिच, मॉड्रिच, पेरिसिच, इन्होंने मैच को अपने 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 ग्रिप में ले लिया और जापान की टीम को आपने देखा और गोलकीपर ने पेनल्टी कीपर मैच जितवाया, तो क्रोशिया और ब्राज़ील के दरमियान काफ़ी एक्साइटिंग मैच देखने को मिलेगा। लेकिन ब्राज़ील की टीम इस वर्ल्ड कप में दरहकीकत फेवरेट है, इसकी वजह कल आपने देखा जो डिस्प्ले गेम किया ब्राज़ील।